स्वरों के साथ कैसे खेला जाए, तेज सरगमें कैसी गाई जाए, शब्दों के साथ ऐसे खेलता है वो व्यक्ति, उससे बात करना मुश्किल हो जाता है। ये कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ इम्प्रेशंस होते हैं हमारे, जो हम लोगों के लिए रखते हैं अपने मन में कि यार वो शब्दों से बड़ा अच्छा खेल लेता है या ये स्वरों से बड़ा अच्छा खेल लेता है। हमें भी स्वरों से खेलना सीखना है कि कैसे ये जब मर्जी पड़े तब वो सुर बोल देता है और दोबारा लय के साथ अच्छा खेल लेता है। तो ये जो खेल जिसे हम कहते हैं वो क्या होता है असल में, आज उस पर चर्चा करेंगे। पूरा वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि स्वरों के साथ कैसे खेला जाता है, लय के साथ कैसे खेलेंगे और शब्दों के साथ भी खेलने का क्या एक तरीका है, क्या कोई पैंतरा है, क्या कोई ऐसा राज है या टेक्निक है जिसको समझना पड़ता है तभी जाके वो होता है। पूरा वीडियो देखिएगा। जाम आँखों से जब छलका तो समझा चढ़ गई है, याद जब वो बहुत आए तो समझा चढ़ गई। मेरी अपनी एक एनालॉजी है, एक एग्जांपल है जिसके थ्रू मैं आपको ये समझाता हूँ किसी के साथ खेलना वो कब मुमकिन हो पाता है, जब उससे हमारी दोस्ती हो जाए। यहाँ मैं साजिशें या शातिर खेलों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ दोस्ती वाले खेल की बात कर रहा हूँ। वैसे तो वो किसी और के साथ भी हो सकती है भाई, अगर आप साजिश या शातिर दिमाग या पैंतरे अपनाना चाहते हो तो वो खेल अलग होता है ना। लेकिन यहाँ जो हम बात कर रहे हैं, जैसे कि मुझे किसी ने कहा, ये बात कैसे बनी मैं वो एक वाकया सुनाता हूँ कि मुझे किसी ने कहा कि आप शब्दों के साथ अच्छा खेल लेते हो, मुझे भी सीखना है कि आप शब्दों के साथ कैसे खेलते हो। वाकया यूँ हुआ कि उस व्यक्ति ने बोला कि अरे हम तो बड़ा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो तब मैंने बोला कि मैं टाइम वेस्ट नहीं, मैं टाइम इन्वेस्ट करता हूँ। तो ये थोड़ा सा वर्ड प्ले किया। तो इस तरह से उन्होंने मुझसे पूछा कि अरे यार आप शब्दों के साथ बड़ा अच्छा खेल लेते हो तो इसका क्या राज है। तब एक वाक्य बन पड़ा था और फिर बाद में जब उस पर मंथन हुआ तो मालूम चला, जब मैंने मंथन किया सोचा उस पर, तो मुझे ये जानने को मिला कि यार यही बात तो संगीत में भी अप्लाई होती है, क्योंकि मैं जो भी चीज़ जहाँ भी सीखता देखता हूँ वो मैं तुरंत संगीत से कनेक्ट कर देता हूँ। भले ही मैंने अंग्रेज़ी सीखी हो, भले ही मैंने कोई भाषा और दूसरी सीखी हो, भले ही फिल्में देखी हो, कोई और खेल देखा हो, दुनिया में कुछ भी देखा हो, वो सब मैंने सीधा जोड़ा तो अपने संगीत से ही जोड़ा। तो मैंने उन्हें ये कहा कि अगर आपको शब्दों से खेलना है, इफ यू वॉन्ट टू प्ले विद वर्ड्स देन बिफ्रेंड देम। बिफ्रेंड मतलब दोस्त बना लेना, फ्रेंड बना लेना यानी उनसे दोस्ती कर लेना। जब आप उनसे दोस्ती करते हो तब उनके साथ खेल सकते हो। और दोस्ती किसी के साथ कैसे की जाती है? वक्त देने से, जज्बात शेयर करने से, जो वो कहें वो आप कभी सुनें, कभी आप जो कहें वो कभी सुनें, इससे दोस्ती बनती है, इससे एक रिश्ता बनता है। तो स्वरों के साथ, लय के साथ, शब्दों के साथ वो रिश्ता पहले आपको पैदा करना पड़ेगा, तब जाके उनके साथ आप खेल पाएंगे। कि जब चाहा आप ठाँ से दो गुन में गए, दो गुन से तीन गुन में, तीन गुन से चार गुन दोबारा ठाँ में आ गए, या जब चाहा जो ताल चल रही है किसी भी मात्रा से आपने तिहाई या कोई सरगम उठाई या कुछ भी लाइन उठाई और आप उसको सम पर लाते हैं। जैसे अगर छोटा सा एग्जाम्पल दूँ मैं उस्ताद ग़ुलाम अली ख़ान साहब का, तो आप उनकी गायकी में ये चीज़ महसूस करते होंगे, वो ताल लय के साथ इतना प्यारा खेलते हैं, सरगमों के साथ इतना प्यारा खेलते हैं। ये मैं लाइट म्यूज़िक का एग्जांपल दे रहा हूँ, क्लासिकल में तो ऐसे बहुत बड़े बड़े दिग्गज हैं। उस्ताद बड़े ग़ुलाम अली ख़ान साहब का नाम लीजिए, परवीन सुल्ताना जी का नाम लीजिए, आप पंडित जसराज जी का नाम लीजिए, ये बहुत बड़े दिग्गज हैं। भीमसेन जी का नाम लीजिए, इनको सुन सुन के हम लोग बड़े हुए हैं, आज भी हो रहे हैं और सदियों इन लोगों को ही सुनकर शास्त्रीय संगीत पनपेगा। अमान अली ख़ान साहब का नाम लीजिए, आप बेगम अख्तर का नाम लीजिए, ये बहुत बड़े दिग्गज लेजेंड्स हैं। तो ये लोग जब सुरों के साथ खेला करते थे, लय के साथ खेला करते थे, तो आज के भी जो कलाकार खेलते हैं तो वो कैसे खेलते हैं? कोई कवि जो है, कोई शायर जो है, शब्दों के साथ खेल के आपको फंसा लेता है, बात आपको मनवा लेता है, वो कैसे मुमकिन होता है? क्योंकि उन्होंने उन सभी चीज़ों के साथ, सुर लय ताल शब्द, इनके साथ समय व्यतीत किया है। अगर मैं कहता हूँ कि आपको साहित्य ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, जितना ज़्यादा आप पढ़ते हैं आपको उतनी शब्दों की नॉलेज होती है। शब्द मिलते हैं तो अपने विचारों को आकार देना आपको आता है। हमारे पास एहसास होते हैं लेकिन उन्हें बयां करने के लिए शब्द नहीं होते ना, तो वो शब्द ऐसे आते हैं। वैसे तो ये है, स्वाभाविक सी बात है, जाहिर है कि तब भी कई ऐसे जज्बात हैं, कई ऐसे एहसास हैं जिन्हें शब्द जो है वो जस्टिस नहीं करते, उनके साथ अन्याय है, है ना। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत भी अपनी बात को अगर आपको रखना है, समझाना है, तो उसके लिए आपके पास शब्द होंगे अगर आपने अच्छा साहित्य पढ़ा है तो।
आप कुछ लिख कर कह सकते हैं, कुछ कह कर कह सकते हैं, उस पर काव्य में भी कह सकते हैं और सीधी साधारण भाषा में भी कह सकते हैं। स्वरों के साथ भी यही खेल है। अगर आपने अलंकार, थाट, पिच, इन सारी चीज़ों का नॉलेज लिया है तो आप जब चाहेंगे जिस थाट में कूद सकते हैं। अगर मैं आपको गाते गाते कह दूं सा रे मा ग म ध प ग रे ग म रे सा सा ग म प ध प ध म प ग रे ग ना। अब यहां से आ रे ना रे ना, आपने यहां चेंज कर दिया, आपने स्वरों को बदल दिया, आपने भैरवी से बिलास खानी में चले गए। या छोटा सा एग्जांपल दूं, आपने वो गीत सुना हो मोह मोह के धागे, आ मोह मोह के धागे तू दिन सा है मैं रात आना दोनों मिल जाए शामों की तरह। अब मैं यहां अगर आपको कहता हूं परिवर्तन करना है, आपको थोड़ा सा वेरिएशन देना है, तू दिन सा है मैं रात आना दोनों, अब ये मैं रात आना दोनों, इसकी जगह मैं रात आना दोनों, ये कर दिया। या ऐसा कि कोई भी गीत लिया, उसमें कुछ परिवर्तन किया, अपना कुछ इनपुट दिया, वेरिएशन दिया, वो कैसे हो पाता है? जब आपको स्वरों के साथ फेमिलियरिटी है, आप एक राग से दूसरे राग में भी जाकर दोबारा उसी में आ सकते हैं। आप तिरोभाव आविर्भाव कर सकते हैं, यानी राग परिवर्तन मूर्छना के द्वारा आप पूरी की पूरी राग बदल सकते हैं और दोबारा उसी राग में आ सकते हैं, जैसा कि गुलाम अली खान साहब या कोई भी और आर्टिस्ट, जगजीत साहब या मेहदी हसन खान साहब, ऐसे ये जो दिग्गज गज़ल गायक हैं, या फिर आप मदन मोहन जी का म्यूज़िक सुने, फिल्मी ये कलाकार हैं, ये लोग किया करते थे। तो ये तब हो पाता है जब उनसे दोस्ती होती है, और दोस्ती तब होती है जब उनसे वक्त दिया जाता है। और वक्त, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया है, भैरव अगर कहता है कि मुझसे तो भाई सवेरे आके मिलना है, तो सवेरे जाके मिलना है, 4 से 7 में ब्रह्म मुहूर्त में मिलना है, तब भैरव से दोस्ती होगी। दरबारी कहती है आधी रात में मुझसे मिलना है, मेघ कहती है जब वर्षा होगी तब मुझसे मुलाकात करो। तो इन रागों की अपनी शर्तें हैं, जैसे हमारे रिश्तों में भी शर्तें होती हैं ना। दोस्त कहता है नहीं भाई यार आज मूवी चलना है और रात का शो है, तो हम मानते हैं क्योंकि दोस्ती निभानी है, है ना। कोई भी रिश्ता निभाना हो उसके लिए वक्त, थोड़े से एफर्ट्स लगते हैं। उसी तरह से रागों से अगर रिश्ता बनाना है, जैसा कि मेरे दादा गुरुजी कहते हैं, पंडित नरेंद्र कुमार ब्यावत जी कहते हैं कि अगर राग पर विश्वास करो, समर्पण दे दो राग को, तो वो आपको अपने चलन की ओर खुद लेकर जाता है। अब ये क्या बात है, ये अनुभव की बात है। आपको समर्पण देना पड़ता है, सीखना पड़ता है। वक्त की पाबंदी नहीं रखनी होती कि इतने ही टाइम सीखूंगा, या भगदड़ नहीं होती है, इत्मीनान होता है, निसंदेह विश्वास होता है। तो उनसे दोस्ती करो, शब्द पढ़ो ज़्यादा से ज़्यादा, आपको मालूम चलेगा अच्छा राइमिंग वर्ड्स ये होते हैं, ओके ये इनका मीटर है तो ऐसे ऐसे वर्ड्स होते हैं। स्वरों के साथ दोस्ती करो, जब अलग अलग अलंकार गाओगे तो स्वरों स्वर जबान पे चढ़ जाएंगे, तो कैसे भी कभी भी बोल सकते हो। अब अगर मैं बोलता हूँ भवानी दयानी भवानी पदम पगम पगम गरे सरे गम पदम धम गम धनि सरे निरे सानि धम पदनि सभवानि सग पदम धब गम गरे सरे गम पद ग ध पदम पगम धनि सरे निरे सानि धम पदनि सरे सा। ये तो चलिए सरल सरल हो गया। अब अगर आप इसमें विकट जाने की कोशिश करें, ससा नि ध प ससा नि ध प धम प ससा नि ध ससा नि सा धनि प धम प ग गरे ग सरे सा गरेगा सारे सानी धबम पधानी सम पधानी सानी धबम धबम गरेगा सारे सा। अब इसमें आपने देखा जर्ब दिए, मैं बीच बीच में रुका, लय बदली, ये कैसे हुआ? जब उसके साथ दोस्ती करी, जब मैं ताल बजाते बजाते कि चल रहा है धागे न तिनक धिन्न धागे न तिनक धिन्न, या ताल चल रही है धा दिन दिन धा दिन दिन धा धा तिन तिन ता धा दिन धा धा दिन दिन धा धा दिन दिन धा दिन दिन धा ता धा ता धा धा दिन दिन धा दिन दिन धा तिरकट तक धाती धागे न धाती धागे तीना की न धा दिन दिन धा। चलिए ये तो दूसरे बोल हो गए, मैं सिर्फ 3 ताल की बात कर रहा हूँ। उसके साथ खेल करना पड़ेगा, उसके साथ गेम्स खेलने पड़ेंगे,
जैसे मैंने बोला ना कि ताल में परिवर्तन करना है, वेरिएशंस करने है, कुछ चंद वीडियो दिए थे कुछ साल पहले उसमें, अब चल रहा है दा दिन दिन दा दा दिन दिन दा दा तिन तिन ता ता तक दिन अध्या दिन धा दिन दिन दा। दूसरी तालों को आप मिश्रित कर सकते हैं दा दिन दिन दा दा दिन दिन दा दा दिन 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 दा दिन 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 दा दिन दिन दा तिट धा तिन तिन ता, है ना। आपने अलग लयकारी में कूद गए आप धा दिन दिन दा दा दिन दिन दा दा दिन दिन दा दा दिन दिन दा दा तिन तिन ता ता दिन दिन दा धा दिन। ये छोटे छोटे वेरिएशंस हैं जो ताल में होते हैं। जब आप कलाकार को देखते हैं कि वो कैसे लय के साथ खेल रहा है, कैसे ताल के साथ खेल रहा है, तो वो कैसे मुमकिन हो पा रहा है? वो इसलिए मुमकिन हो पा रहा है क्योंकि उसने उसके साथ दोस्ती की है, उसके साथ बहुत वक्त उसने दिया है, टाइम स्पेंड किया है। तो अगर आप भी लय के साथ, ताल के साथ, इन लोगों के साथ समय बिताएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें समझेंगे, उनके साथ खेलेंगे, तो अपने आप देखिए उसमें कैसी महारत हो जाती है। आप कहीं से भी कोई सी भी मात्रा से उठाएं, अब जैसे ये चल रहा है भवानी दयानी भवानी धप धम प ग म ग रे सा भवानी दया सा रे ग म भवा सा ने ध प ध म प ध नि सा भवानी सा रे ग म ग रे ग रे रे सा भवा सा रे ग ग रे सा रे ग म प ध प भवा। मैं कहीं से भी उठा रहा हूँ, कोई सी भी मात्रा से उठा रहा हूँ, सा ने ध प ध म प ध नि सा रे सा भवा सा नि ध प प ध म प ग म ग रे सा सा रे ग म प ध प प ध प प ध प वा सा नि ध प प ध म प ग म ग रे सा सा रे सा वा। एक लय पकड़ ली, उसमें कोई सी भी मात्रा से उठा के वापस उसका सम पकड़ना। आप देखते होंगे कलाकार कैसे कोई सी भी मात्रा से उठा के सम पर आ जाता है, वो कैसे मुमकिन होता है? क्योंकि ताल से रिश्ता है, ताल से दोस्ती है, ताल के साथ इतना सारा खेला है, वो कोई सी भी मात्रा से उठा सकता है क्योंकि हर मात्रा का उसको परिचय है, हर मात्रा से रिश्ता है कि उसमें उस ताल में कई लयकारियां उसने करी हैं, तो उसे कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर वो सरगमों को भी उसमें परिवर्तन करता है। जब गीत गाते गाते मैंने अभी छोटा सा वेरिएशन कर दिया था, ऐसा वेरिएशन आप किसी में भी कर सकते हैं, कोई भी गीत हो सकता है। जैसे धनी रे गा पम रे गा रे सा ए री ए री ए री ए री। एरी को बोलने के इतने तरीके, क्योंकि राग से दोस्ती है, राग से रिश्ता है, राग को समर्पण है, तो राग अपना चलन लेके जा रहा है और उसमें मैं शब्द कैसे भी फिट कर सकता हूँ। अब स्वाभाविक बात है इसके लिए टेक्निकल चीज़ें जो जो सीखनी पड़ती हैं, जब आपको ताल की अलग अलग लयकारियाँ करनी पड़ती हैं, अलंकार को अलग अलग लयों में गाना पड़ता है, तब जाके ये चीज़ें आती हैं। तो ऐसा कुछ कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो भी हम करेंगे। ऑनलाइन क्लास आप ज्वाइन कीजिए, वैसे तो मैंने यूट्यूब पर भी दे रखी हैं, सारी लय की चीज़ें भी हैं, ताल की चीज़ें भी हैं, ठीक है। तो ये कुछ बात थी कि उनसे दोस्ती कर लीजिए तो अपने आप स्वर, शब्द, लय, ताल, राग हर किसी के साथ खेल पाएंगे। रिश्ता बनाइए उनसे, ठीक है। और रिश्ता बनाने के लिए समय दीजिए, निसंदेह विश्वास दीजिए, तब वो ट्रस्ट डेवलप होता है, तब रिश्ता बनता है। शुक्रिया।